हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? और देखो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू। फ्रेंड देखो, सबसे पहले मैंने तिल को भून लिया है, थोड़ा सा भून लेते हैं इनको। भूनने के बाद ना फिर ये जल्दी सी मोमदस्ते में कूट जाते हैं फ्रेंड। और देखो फिर इनको मोमदस्ते में डालकर ना कूट लेते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है फ्रेंड, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही कूटना है। मतलब कि ये गरम गरम है ना, बहुत जल्दी इनके अंदर से तेल सा निकल जाता है फ्रेंड। और फिर इस तरह से देखो, धूप भी अच्छी खासी आई हुई थी, देखो ऐसे बना लेने हैं फिर इनको कूट के। थोड़े थोड़े तिल भी दिखने चाहिए फ्रेंड। और फिर जब ये कूट जाते हैं ना, इसके बाद फिर इसमें गुड़ मिला लेते हैं। और फिर काफ़ी देर तक कूटना पड़ता है फ्रेंड। वैसे तो इसे ओखली में भी कूट लेते हैं फ्रेंड हम, लेकिन ओखली आज थोड़े तिल थे ना, इसलिए फिर हमने मोमदस्ते में ही डालकर कूट लिए थे। और काफ़ी देर तक कूटने पड़ते हैं फ्रेंड। देखो धूप में बैठ गई थी मैं, अच्छी खासी धूप आई हुई है। और देखो फिर ऐसा बन जाना है। अच्छी तरह कूट जाने के बाद फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंड। और देखो फिर इसके लड्डू बना दिए थे फ्रेंड मैंने। और आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं फ्रेंड। देखो मैंने कुछ नहीं डाला था, सिंपल तरीके से बनाए थे फ्रेंड। सफ़ेद तिल के लड्डू है फ्रेंड, देखो ये। और इसके बाद फिर बच्चों ने खा लिए थे फ्रेंड। और ये शाम के खाने की तैयारी हो गई थी। आज मिक्स सब्जी बनाने वाले थे फ्रेंड देखो। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी फ्रेंड, फिर मैंने रजाई, देखो रजाई के अंदर अपने पैर डालकर ही बैठ गई थी। और इस तरह से फिर मैंने सब्जी को चीर लिया था फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, कई मसाले ख़त्म हो गए थे। और फिर इसके बाद देखो मैंने मिर्च और वो हल्दी मंगा ली थी फ्रेंड दुकान से। और फिर अपनी सब्जी भी छोंक दी थी। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लेते हैं फ्रेंड हम गांव में सब्जी, कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालते हैं। और देखो कितनी अच्छी दिख रही है। हम ना फ्रेंड तरी वाली ही खाते हैं बच्चों के पापा जी, इसलिए थोड़ी तरी से वाली सब्जी बनानी पड़ती है हमको। वैसे तो सूखी सब्जी स्वाद बन जाती है। और इसके बाद देखो फ्रेंड, फिर मैंने रात की रोटियों के लिए ना आटा कर दिया था फ्रेंड। और कई दिन से मेरा ब्लॉक नहीं आ रहा था फ्रेंड, क्योंकि मेरी गुड़िया के पेपर चले हुए थे ना, वो फ़ोन लेके चली जाती थी, लेट आती थी, इसलिए फिर मैंने ब्लॉक नहीं डाला। टाइम नहीं लगता था फ्रेंड, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं तो फिर इसके आप सबको पता ही है कि मतलब बच्चों को फ़ोन ज़रूर चाहिए। लेट सेट हो जाते हैं ना कई बार कॉलेज से, तो फ़ोन करके पूछ तो लेते हैं ना फ्रेंड। और खा लीजिए फ्रेंड, देखो रात का खाना है। रात की वीडियो बना लेती फ्रेंड फिर मैंने खाने की थोड़ी सी। और आप सब ना फ्रेंड देखो, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी। आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो अगर आपको अच्छी नहीं लगती, और अच्छी लगती है।